नाली तो बहती है, तेरी नाली तो बहती है। और ये उतरा मेरी स्त्री दस रुपए दे पांच रुपए पांच दवा देती है। तेरी माली नाली का दर्शन बिल्कुल नहीं हो जाइए उखरे चले जाएंगे मार दे टक्कर रे हट पीछे ले। अब महारानी से शिकायत करती हूं जा रही हूं परदेश। अरे महारानी बहन, अरे क्या बात हो गई, कैसे रोक रही हो? महारानी तो परदेश से आ गए बाग में और उन्होंने फाटक तोड़ता में भात मार लगाई है रे मालिक।
फाटे को तोड़ दिया उन्होंने। क्या चाहते हैं? अगर तुम्हारे हाथ का पानी पीना चाहता है, ठीक है पानी ले जाओ, उनको पानी पिला करके आओ। ठीक है जाओ। ले परदेशी पानी पीने ले आई, ले 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं, नहीं। जब मैं लड्डू खाऊंगा तो तुझे रसगुल्ले नहीं खिलाऊंगा। नहीं बेटे, मैं किसी ने कहा है ये मालिन है, इसके मालिन के हाथ का ना पानी पीना है तो कुछ नहीं। इसे कह दो कि हमारे मालिन पानी सुन, तू मैं लड्डू खाऊंगा तो रसगुल्ले खिलाऊंगा, ये पानी नहीं पिएगा। कहा गुस्सा गई तुम? ए महारानी, ये हमारे श्री कोमल सिंह कुशवाजी, नत्थू सिंह कुशवाजी और हमारे राजेश यादव जी। हरी सिंह यादव जी ड्राइवर साहब और नैम सिंह और हमारे संजय बाबू मालिक साहब, कंपनी मालिक साहब, ये पांचों मिलकर के 20-20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। लगला बिकिया वाले पार्टियां धन्यवाद देती है। अब तो तुमने मैं नगला भिकिया में कर ली, कोई बात सुनो सुनो ले ये पानी तुम्हें हाथ को पीना चाह रहे, मैं हाथ को पियो ना। ठीक है परदेशियों को अंदर भेज दो। ठीक है जा रहे हैं। पानी मत फैलाइए। हां और का ए पानी मत फैलाइए वाले संबंधे। ओ परदेशियों, महारानी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। री मालिन, हां प्यारी मालिन, कहिए इधर आ। आगे ये उदयवीर रामनाथ के मौसा, उदयवीर रामनाथ के मौसा 10 रुपया देते हैं, अगले व्यक्ति वाले पार्टी धन्यवाद देते हैं। री मालिन, हाँ क्या कहा महारानी साहब जी? दो परदेशी आए हैं, वो प्यासे हैं। अच्छा तुमने पानी नहीं पिया, उन्हें अंदर बुलाया तुम्हें। चलो मालिन, हाँ भैया ये सीढ़ी क्यों की दुपारी यार? चलो अपना सीट दे रहा हूँ मालिन। हाँ तेरे कह दिया, कह दिया मालिन, ती प्यारी मालिन है। हाँ तेरे पूरे तेरे पूरा सारा भेद बता दिया। ठीक है कि तू परदेश से आए। हाँ कहाँ है तेरी समय रानी? फूल बाग में अंदर चाहिए। कौन से तख्ते में? तख्ते में बेड पर सो रही हूँ। बेड पर बेड वाली कौन से तख्ते में? कौन सा बताऊँ? ये तो कौन से तख्ते में सो रही है तेरी रानी? तीसरे तख्ते में सो रही है। ठीक है जाइए, चल हट माने। आप पानी नहीं पियेंगे, दारू पियेंगे।
मालिन मालिन का मेरी छाती में चढ़ के आई थी कि पानी भी उबरते से। अरे यार मंत्री उस रानी से दो दो बात करेंगे जब ही कुछ मजा मिलेगा। रानी के हाथ का किसी ने कहा कसूर सती रामा चढ़ के जीवे की आज करे कभू ना यही काम मर्दों के मुख से कह के करते कभू ना। ले जा रहे हैं और सुनो बामन जाओ ए बालिन यहां बैठो इधर जाओ। अरे मालिक की में नजर में तू इधर बैठ जा। अबे ये बैठो हां यही बैठ जा। नहीं ए बालिन में नजर में उधर बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगा तवक्कल। हां कहां है तेरी रानी चल अरे मंत्री और उसके हाथ का पानी पिएंगे और जिएंगे। कुछ नहीं चलो और सुन इस एक बात समझा दे तुझे एक बात समझा दे रहा हूँ सुन के खांस मटा के जाना चौकपति भी शास्त्रीय है। हाँ शराब भी दे सकती है खास वाला जाने दो जने और जब बड़ा बनेगा। हाँ बेटा समझा तू मैं पूरी कागज से परामर्श जरूर करेंगे। चलो खासो बड़ी अफसोस बात है। रे मंत्री इतना आसान यार ये रानी मेरे खासे से होती है। क्यों मेरे खासे से खड़ी हुई है कि तेरे खासे से हुई है मेरे से हुई है मेरे खासे हुई है आपका कैसे हुई कासे। हाँ अच्छा ये पति भी का स्त्री है स्त्री है। अच्छा आप अच्छा आप भी पति बनता है। मैं भी पति बनता हूँ तेरी बहन की। अरे दुलारी इन्हें बोलती नहीं ये गूंगी है। गूंगी है हाँ बोलो भैया दो मिनट के लिए क्या फिर भयो संजा को बते दो करा दीजे काओ अरे तेरी आवे द्वार पे बैठना दीजे काओ। ये परदेशी ये कहेंगे कि रानी फूलबाग के बाद रानी त्यावती के फूलबाग में गए थे कोई बात नहीं पूछी कई परदेशी आपका कैसे आना हुआ क्या बात है। हेलो महामंत्री हमने तुमसे एक कहा था फूल आ गए इस फूल आ गए जाना जरूरी है। रानी तो बैठी है क्या करे मैंने मजबूर है जाए इस फूल बाग में
रानी जो बहती है उससे जाकर के देखो वो क्या कह रही, क्या नहीं कह रही है। आज ये परदेशी हमारे फूलबाग में आए हैं और हमसे एड्रेस पूछना चाहते हैं, कहां की रहने वाली हूं मैं, क्या मेरा नाम है। क्या मुश्किल की हर मेरो अरे नरे वर सास प्रभु राजा भीम की लाड़ी सोते हैं मंदी मेरो परदेशी यानी आप राजा भीम की लड़की हैं। हाँ। ये बात हेमंती मेरा नाम है। आप ये पूछना चाहते हैं जो परदेशी पानी पियो पानी पीने का हमारा इरादा नहीं है, ऐसे नहीं पिएंगे, आपके सीधे हाथ पानी पिएंगे। परदेशी बोलो आप सब बातों को कहे इसी को नहीं कहे और हमारे शास्त्री साहब आपके हाथों में ऐसे पानी पिएंगे। हमारे नेपाल शास्त्री साहब हमारी को सुनो कैमरा के पास ना जाए परदेशी तुम्हारी सास और बच्चा खत्म हो गई मेरे घर में कोई सास सुन रही है चौक आपकी सास से बच्चा खत्म हो गया तुम क्या पानी पियोगे महाराज। जिस घर के अंदर सास ननद नहीं होती है उस घर मेरी जान
अरे मेरी चैया, अरे मेरी जान, अरे भाग जाओ भागना, मैं
सा बोल कॉमन से कुशवाजी और हरि सिंह ड्राइवर साहब यादव जी और हरि सिंह आधार भैया कुशवाजी यादव जी अच्छे आधार सिंह यादव जी और नथ से कुशवाजी हरि सिंह ड्राइवर साहब राजेश ये चारों मिलकर के हाँ ढोला तही रो है ये 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं 100 करोड़ रुपए का भी बाकी है उसमें 50 रुपए रह गए अब तुम्हारे ठीक है ये 51 रुपए देते पार्टी हाथ सूरभ सिंह अरे आया हूँ तुम्हारे दर पर आया हूँ तुम्हारे दर पर कुछ करके जाऊंगा
फैसला नहीं मर के जाऊंगा। आए हो मैं इधर पर, आए हो मैं इधर पर, कुछ कर नहीं पावे और ज्यादा भग भग करोगे तो जूतियों की मार खाओगे। अरे ये तो वैसे ने वह प्रश्न किया है, दवाई से प्रश्न किया है। सुनो रानी तो मैं थी, तेरे दर पर वो कुछ करके जाऊंगा, करके तुम्हें फसल में मर के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। सुन ये रानी तो मैं थी, आया हूँ तेरे दर पर कुछ करके जाऊंगा और ये मेरा फैसला तेरे मर के जाऊंगा। जा तीन के तेरे चुरी कर लेंगे, तीन दिन के रात तो जैसे मुझसे सूरज सिंह माना हुआ आदमी का गुंडा, हे खुदा हे खुदा ये तेरी कैसी खुदाई है, हे खुदा ये तेरी कैसी खुदाई है, और जुगनू के चूचड़ों में बिजली क्यों। तो जैसे बड़ू जन कितने आए और कहते चले गए, जा चलो जा। वो महाराज हम इश्क के बारे हैं, हम और आप दीवाने मस्ताने हैं। वो किसी ने कहा एक शायर ने एक शहर लिखा है कि इश्क करते करते, इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया और चांद पर जूते पड़े तो इश्क पूरा हो गया। सारी रात अंडे पकाए असलो, सारी रात अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए और हम उसे आशिक मर गए पर उल्लू के बच्चे। जाओ आज देखेंगे उस ध्वज का हरण करना है, ध्वज का हरण करना है। हमको क्या करना है, ध्वज का हरण हरण करोगे? हाँ और क्या क्या उसका सूरसी को माने हुआ आदमी का बनना। चलिए हाँ जाओ, कितने कहेंगे कि वो उल्लू की पट्टी क्या करी थी। तुम किसको बोला ए लवाई जी, का करू ये लेके भज्जा दब लगाओ आ जावे ये भज्जा ला लो। अरे यार तब बाजी दब लगाओ ना, जानती नहीं है उनकी आदत, जानती तो है तो भाई चलो। यार रानी धेवंती ने
और चप्पल दिखाई है। हाँ चलो बच्चे के अंदर देवी माँ कमिच्छा को मनाएंगे और धर्मवती का सोते को पलंग मनाएंगे। ठीक है चलिए बाजी बाजी ए लड़के जब जी निकल गया मैं माखो मनाता हूँ और तू सामरी लेके हम ना कुंड में ठीक है मैं ना कुंड में लोगी भाई जानी हाँ हाँ लोगों सामरी जानू और घी घी डालना घी की आउटी लगाई हाँ पर ये कबाब का बताओ महाराज बूंद बूंद टपके हो घी के एक समय धार बना दी हवे बूंद बूंद टपके ना और लास्ट में नारियल ले आएगा वो भी हम देना और सोदे ले ले मेरी अरे आदि भवानी सोदे ले ये हमारे दसों मेंबरों के लिए हमारे दस कलाकार हैं उनके लिए 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं ऐसे है भैया 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं 500 के नोट से नगला बिकिया वाले पार्टी हाथ धन्यवाद दे देते दे रहेगी लेकिन अब भैया अब तो माता बहने थे कह सकते हो अब तो सवेरा हो यार ऐसी कोई बात रहा हो तो 3 बज गए बहन मेरी ये 10 रुपए का घाटा है यार जी बताओ ये 10 रुपए का पुरस्कार 10 कलाकारों के लिए देते हम लोगों के लिए पार्टी है धन्यवाद देते 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं और क्या तूने जगाई है? तो कदुआ जगाई है क्यों मैंने जगाई है कैसे जगाई है मैंने शिवर और नारियल जाकर कुंड में ठुस से लाओ तब जगी है माँ कमेंचा मैं माँ फूलबाग में गया था माँ मैं फूलबाग में गया हाँ तो राजा जग गया सदावंती उससे मैंने कहा कि मुझे एक बार पति का कर पानी पिला दे माँ उस आराम जा दी ने
पानी तो नहीं पाया बल्कि चप्पल दिखाई। पर बेटा तू काऊ की स्त्री को स्त्री बनावे और चप्पल नहीं दिखावे क्या कराई? नहीं माँ मेरी बात सुन ले। सुना मैं माना हुआ सूरसेन हूँ, आएगा सूरसेन गुंडा और सुन अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ अराधावती को चप्पल का मजा चखाऊंगा और सोता हुआ पुनः फूलबाग में मैं ये काम मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है नहीं। तो तेरी मठी का एक एक ईंट उखड़वा के फेंकवा दूंगा। तुझे मालूम नहीं है? क्या मालूम है? तू मेरा सेवक है। हाँ। जो मेरी बड़ी बहन दुर्गा है तो मैं क्या करूं? उसका सेवक राजा नल है। नहीं माँ मुझे सोता हुआ पलंग चाहिए। तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन जो पहला भी पुत्र होगा उसकी भेंट देनी पड़ेगी। बिल्कुल अवश्य दूंगा माँ। ठीक है काम तेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है। अरे अम्मा एक जा राजा सुअर का तो तेरे काम कर दो पर मेरा काम करना पड़ेगा। तो वो बांधी है बांधी बाको पहले वो मेरी झोपड़ी में लाना पड़ेगा। ठीक है ना तू बंद करे मैं काम नहीं कराई। फिर का भादा भाव को मैं पटा दे पुनी पे चढ़ेगा। अरे नहीं ना तू बंद करे काम चलता है ना परिया को ध्यान रखिए। मैं जा रहा हूँ पुल गुलाबे पर मेरे तरफ का बड़ा खुशी तैयार हो जाए। अरे हेलो अरे नशे में अंगूर आप है बोल कटोरी दौड़ी गई मैंने माँ कमचा से कहा था तो देखता हूँ फूल बाग में रानी धर्म फलक आ चुका क्या नहीं। माने मेरे साथ धोखा किया है। इधर देखता हूं उधर भी सिर है, उधर देखता हूं उधर भी सिर है। Thank you.
क्या है? तुझे मैंने कहाँ भेजा और तू कहाँ सो रहा है? मैंने समझा था कि रानी धैवन की एक बात है महाराजा। अब मैं समझ बात आई जाते क्या तुम काय को जाकर पीछे पड़े हो? समझ गया आज मैं मालूम कर पाइए और इतनी भड़का होती है भड़क वाली बात नहीं है। अब इसको करो साथियों पेटी मास्टर साइन नाउ आवे बसू कहीं मत घुस इसको अब कैसे ऐसा जगह यो जो पति बैठता है जाने शराब ज्यादा तो कसम कर ले कसम नहीं बसम और देखो रहियो तो हाथ में लेना पड़ी हो चप्पल भाई मास्टर ओ महाराज नहीं इसे मैं जगाऊंगा और क्या नहीं। अब साले मेरे कहा ना अगर पूरी मैं खाऊंगा तो प्राण के लिए जरूर खिलाऊंगा नहीं चप्पल हवे चप्पल तो कोई बाकी नहीं और गोरी उठो और गोरी उठो होश में आवो जगी जावो मुस्कराओ मिल मिल के मौज उड़ाओ Oh,
हे भगवान मैं अपने फूल बाग में सो रहे थे। नमाले माया पर कैसे आई कैसे नहीं, हे भगवान ये क्या हो गया क्या नहीं, ये मेरा फूल बाग नहीं दिखाई देता है, ये कौन सा देश दिखाई देता सारे काम बना नहीं देगा, चुपचाप बैठ जा।